What's up guys, आप सबका स्वागत है आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में। ये वीडियो एक रैंकिंग वीडियो है हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे टोक्यो घूल के बारे में। सो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 10 काकुजा के बारे में। काफी लोग शायद इस टर्म से अनजान हो गए। काकुजा वो घूल होते हैं जो रिपीटेड कैनिबलिज्म के बाद एक यूनिक स्टेट को अचीव करते हैं, यानी जब एक घूल किसी दूसरे घूल को खाकर कंज्यूम कर लेता है तब वो ट्रांसफॉर्म होता है एक ऐसे घूल में जो पहले से ज्यादा खूंखार और ताकतवर होता है। साथ ही उनमें और भी काफी सारे बदलाव होते हैं जो हम धीरे धीरे करके आज के इस वीडियो में जानेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने टोक्यो घूल नहीं देखा है, पर अगर ऐसा कोई है तो उसको एक स्पॉइलर अलर्ट। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला कि मैं जिन भी घूल्स को इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ उनके इंडिविजुअल स्टेट के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके अंडरगोइंग काकुजा फॉर्म के हिसाब से मैं उन्हें रैंक करने वाला हूँ। यूजुअली एक इंडिविजुअल घूल के उसके अपोनेंट के मुकाबले स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है, पर जब वो अपने काकुजा फॉर्म में होता है तब उसके स्ट्रेंथ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वीक भी सबसे स्ट्रांग हो सकता है और स्ट्रांग भी सबसे वीक। दूसरा कि मैं इस लिस्ट में रैंकिंग सिर्फ उस घूल के काकुजा फॉर्म के हिसाब से नहीं करूंगा, बल्कि वो घूल अपने अपग्रेडेड फॉर्म में कितना कोऑर्डिनेशन रख पाता है उस हिसाब से मैं इसकी रैंकिंग करूंगा। सो बिना देर किए जल्दी से इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कोरोना यासुहिसा। कोरोना एक आर्टिफिशियल वन आइट घूल है जो डॉक्टर कानो के फ्लॉपी एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट है। कोरोना एक रिंग काकु आरसी टाइप घूल है। अपनी बहन नाशिरो के साथ मर्ज होने के बाद कोरोना इस काबिल हो जाती है कि वो अपने काकुजा फॉर्म को एक्टिवेट कर सके। कोरोना के काकुजा फॉर्म में कोरोना के दो बड़े लंबे आर्म्स होते हैं जिनके ऊपर आर्मों की एक स्केल प्लेटिंग होती है जो उसके सीने से लेकर कंधों तक जुड़े होते हैं, और उसका एक हाफ कवर्ड मास्क भी होता है जिसके ऊपर काफी सारे आंखें होती है। कोरोना के काकुजा आर्म्स के साथ उसके कागुने भी कंबाइंड होते हैं जो कि काफी बड़े टेंटेकल्स को रिलीज कर सकते हैं। ताकत की बात करें तो कोरोना अपने काकुजा फॉर्म में ज्यूजो और उसके स्क्वाड मेंबर पे भारी पड़ी थी, पर जैसा कि हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था कुछ इनकम्प्लीट काकुजा ट्रांसफॉर्मेशंस को जिनके रहते यूजर्स अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पाते। एंड सेम हैपेंस विद कोरोना, वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और हार जाती है। पर फिर भी हम इस शक्तिशाली घूल को इग्नोर नहीं कर सकते जिसको मैंने इस लिस्ट में नंबर 10 की पोजीशन पे रखा है। नंबर 9, योशिमुरा। एक वायलेंट नेचर के रहते पीस को मेंटेन करने की कोशिश अगर किसी ने की है तो वो है योशिमुरा द मैनेजर। योशिमुरा बाय द नेम आउल या नॉन किलिंग आउल, ये सीसीजी का एक टारगेट रहा है काफी सालों से। योशिमुरा एक उकाकू कागुने वाला घूल है जिसके कागुने तकदीर होते हैं दो शार्प ब्लेड्स में जो उसके कंधों से लदे होते हैं। क्लोज रेंज में योशिमुरा जितना स्ट्राइक कर सकता है उतना ही वो लॉन्ग रेंज में भी कर सकता है। योशिमुरा के काकुजा फॉर्म में उसके चेहरे पे एक मास्क भी आता है विद लाइन एंड आई स्ट्रक्चर। योशिमुरा के कागुने एक आर्मर की तरह भी काम आते हैं जहां वो हेवी से हेवी स्ट्राइक को भी झेल कर काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं। अपने मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ और स्पीड के रहते योशिमुरा ने अब तक काफी सारे स्पेशल क्लास इन्वेस्टिगेटर और पूरी आर्मी जितने लोगों को हराया है। योशिमुरा अपने टाइम का सबसे पावरफुल घूल हुआ करता था जिसकी रेटिंग भी SSS की है, पर योशिमुरा बूढ़ा हो चुका था इसलिए हार गया, नहीं तो वो शायद इस लिस्ट में टॉप में होता। नंबर 8, नोरो। कभी कभी कुछ घूल्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उनके लिए पूरी आर्मी कम पड़ जाती है, एंड नोरो इटसेल्फ वाज एन आर्मी। एक ऐसा घूल जिसने पूरी सीरीज में बिना एक वर्ड को बोले सबको हिला के रख दिया। इस साइलेंट किलर घूल का काकुजा बाकी घूल से थोड़ा अलग था। खुद को आर्मोर से कवर करने के बजाय नोरो एक जायंट कागुने फॉर्म करता है जिसके बड़े बड़े मुंह होते हैं। नोरो के कागुने बड़े बड़े अटैक्स को झेल सकते हैं। एक और चीज है जो नोरो को लगभग इमॉर्टल बनाता है और वो है उसका सुपर ह्यूमन रीजनरेशन। नोरो का रीजनरेशन लेवल इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनरेशन लेवल है। उसके काकुजा फॉर्म में उस पर इतने सारे अटैक होने के बाद भी वो पल भर में रीजनरेट हो जाता है। सच कहूँ तो उसका मरना इम्पॉसिबल था, पर शायद उसका काकुजा स्टेट उसका साथ नहीं दे पाया। स्टिल ही इज वन मॉन्स्टर ऑफ द सीरीज। नंबर 7, तातारा। वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ आउगेरी ट्री, तातारा को मोस्टली सीरीज में शेडोज में ही दिखाया है। अलॉन्ग विद नोरो, इन दोनों की ताकत सीसीजी को काफी कंट्रोल में रखती है। फाइट में काफी कम बार इन्वॉल्व होने की वजह से तातारा के स्ट्रेंथ और एबिलिटीज अननोन थे, बट बीइंग द डायरेक्ट सबॉर्डिनेट ऑफ द वन आइट किंग, तातारा को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। और जब उसका सामना होजी के स्क्वाड से होता है तब वो अपने काकुजा फॉर्म को रिवील करता है जिसमें उसकी बॉडी काफी मजबूत से आर्मोर से कवर हो जाती है और उसके कागुने से जुड़कर दो हैवी हैमर का फॉर्म ले लेते हैं, और उसका सर एक हेलमेट जैसे स्ट्रक्चर से ढक जाता है जिसके बीच में एक गैप होती है। इस सीरीज में काफी सारे काकुजा फॉर्म से, बट अ काकुजा जो एक फायर प्रोड्यूस करे ये एक रेयर एबिलिटी है। तातारा अपने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आरसी सेल्स को इग्नाइट कर 4000 डिग्री सेल्सियस से अधिक मात्रा की कंप्लीट कम्बस्टेड फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है। ये सारी फ्लेम्स उसके सर से निकलती थी जिसको वो अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकता था।
ये फ्लेम्स इतनी पावरफुल थी कि तातारा ने ऑलमोस्ट पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया था अंटिल द मोमेंट ताकिजावा अराइव्स। नंबर 6 पे है रोमा होइतो। टोक्यो घूल सीरीज में कई बार घूल्स की एक्टिविटी के बेसिस पर उनको अंडर एस्टिमेट किया गया है। घूल्स की पावर लेवल को बिना समझे उन्हें एक माइनर थ्रेट अज्यूम कर लेना, यही चीज हमें टोक्यो घूल री का एक टर्निंग पॉइंट तब लगता है जब वो एक एक्चुअल थ्रेट बन के सामने आता है। रोमा इस कैरेक्टर को पहले दो सीजन में बिल्कुल ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला है, बट इन टोक्यो घूल री रोमा ने एक्चुअल में बड़ा अपीयरेंस लिया है। डॉजी मदर एक ऐसा काकुजा फॉर्म जो इटसेल्फ एक मॉन्स्टर लेवल का क्रिएचर है जो कईयों को निगल सकता है। इस फॉर्म में रोमा की बॉडी का अपर पोर्शन काकुजा के टॉप पर होता है और रोमा उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर सकती है। तो हमेशा प्लेटे और कप तोड़ने वाली लड़की से बच के रहना, क्या पता एक SSS रेटेड घूल उसमें भी एग्जिस्ट करता हो। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नंबर 5 पे है एतो योशिमुरा। द डॉटर ऑफ कुजेन योशिमुरा एंड ऑफिशियली द SSS रेटेड वन आइट आउल। 24th वार्ड में सर्वाइव कर और कैनिबलाइज करके एतो ने अपना एक रुथलेस स्टेटस अचीव किया था। आओगिरी के स्ट्रॉन्गेस्ट घूल की गिनती में आने वाली एतो ने अभी तक काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स को मौत के घाट उतारा है। एतो के काकुजा की बात करें तो उसका कागुने वर्जन उसके डैड की तरह ही है, बस उसका अपग्रेडेड वर्जन विद इवन मोर मॉन्स्टरस अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ। एतो ने सुजुया जैसे इन्वेस्टिगेटर को एक ही बारी में हरा दिया। अपने डैड की तरह ही एतो की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और उसके कागुने आर्म्स काउंटर और डिफेंस में काफी हेल्पफुल रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो एतो ये आओगिरी की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घूल रही है। इवन उसने CCG की बड़ी मशीन्स को हैवी स्ट्राइक कर डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही नोरो की तरह ही एतो का रीजनरेशन भी काफी हाई है एंड वी कैन एडमिट इट कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घूल की लिस्ट में आती है। नंबर 4, कोतारो आमोन। तो आमोन को कौन नहीं जानता। कानेगी के साथ बैटल के बाद आमोन को भी पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर कानो उस पे आउल एक्सपेरिमेंटेशन करता है, पर उसके RC सेल्स की मात्रा में बदलाव की वजह से वो एक फ्लॉपी एक्सपेरिमेंटेशन घोषित कर दिया जाता है। पर जब उसकी लड़ाई क्विंग स्क्वाड से होती है तब वो उन पर भारी पड़ता है। आमोन के काकुजा फॉर्म में वो बिल्कुल योशिमुरा को रिजेंबल करता है। उसका फेस एक ट्विस्टेड फॉर्म लेता है और उसकी बॉडी पे एक आर्मोर की परत चढ़ती है। उसके कागुने ब्लेड्स का फॉर्म लेते हैं और वो काफी हैवी प्रोजेक्टाइल का अटैक कर सकता है। काफी समय बाद जब कानेगी का स्क्वाड आमोन को डॉक्टर कानो के लैब से छुड़ाने आता है तब आमोन का काकुजा कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जिसको बाद में ताकिजावा नॉकआउट कर देता है जो इस लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पे है। तो आमोन के साथ ही ताकिजावा भी एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरता है और वो एक सक्सेस कहलाता है डॉक्टर कानो के लिए जो आउल को फाइनली क्रिएट कर देता है। एंड दैट इज द रीजन इनफ कि मैंने ताकिजावा को इस लिस्ट में इतने ऊपर रखा है। एक ह्यूमन घूल हाइब्रिड की वजह से ताकिजावा की एबिलिटीज नॉर्मल घूल से ज्यादा थी। टोक्यो घूल री के स्टार्टिंग में ताकिजावा इनकम्प्लीट काकुजा होता है जिसके उसको साइड इफेक्ट झेलने पड़े, पर आगे जब वो कम्प्लीट काकुजा का फॉर्म लेता है तब उसकी पावर को वो आराम से कंट्रोल कर लेता है। उसके चेहरे पर एक आउल जैसा मास्क आता है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर योशिमुरा को रिजेंबल करता है। ताकिजावा तातारा को भी हरा देता है एक ही बारी में जो खुद अपने काकुजा फॉर्म में होता है। साथ ही वो पूरे CCG स्क्वाड को हरा देता है। आमोन जब अपने काकुजा फॉर्म में रहता है और अनकंट्रोल हो जाता है तब भी ताकिजावा उसको मात दे देता है। बेसिकली ताकिजावा एक परफेक्ट आउल बन जाता है जिसको हराना इतना आसान नहीं होता। एंड फाइनली नंबर 2 की पोजीशन पर है निमुरा फुरुता। आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये टॉप पर होगा। वेल, हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जो इस सीरीज के हर काले कारनामों के पीछे था। ओरिजिनली एक हाफ ह्यूमन होने के बावजूद फुरुता डॉक्टर कानो से एक्सपेरिमेंटेशन करवाता है एंड ही गेट्स द रीजे ट्रांसप्लांट जस्ट लाइक कानेगी। और अगर बात करें उसकी ताकत की तो उसको एतो को घायल कराने के लिए अपने काकुजा फॉर्म की भी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तो उसने अब तक जितनी फाइट्स लड़ी उसमें उसने अपने काकुजा फॉर्म को अनलिश नहीं किया, पर जब उसकी फाइट कानेकी से होती है तब वो उस पे अपने फुल पोटेंशियल से चार्ज होता है। काकुजा फॉर्म में उसका कागुने सेंटीपेड जैसा फॉर्म लेता है और जिसपे आंखें और मुंह प्रेजेंट होते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाती है आर्मोर से। फुरुता अपने कागुने से बने काताना को भी यूज कर सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फुरुता का काकुजा फॉर्म वन ऑफ द डेडलीस्ट रहा है इस सीरीज के बीच। एंड टॉकिंग अबाउट द डेडलीस्ट काकुजा, हमारी इस लिस्ट का नंबर 1 काकुजा है No one other than Ken Kaneki. Not only because he is the main protagonist of the series, but जो लोग मांगा पढ़ते हैं उन्हें Kaneki की असली ताकत का अंदाजा तो होगा ही। Kaneki ने जितनी भी फाइट्स लड़ी, जितनी भी बार ट्रांसफॉर्म हुआ, उतनी बार Kaneki एक ग्रोथ पीरियड में था।
कई बार उसकी साइकोलॉजी पर ड्रास्टिक बदलाव आए और अब तक जो कुछ भी कानेकी ने एक्सपीरियंस किया वो उसके डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। सो इस पूरी सीरीज में कानेकी के अलग अलग स्टेजेस होते आए हैं उसके काकुजा फॉर्म के। जेसन के साथ उसकी फाइट के बाद कानेकी कॉन्स्टेंटली कैनिबलाइज करता है और वो शिनोहारा इन्वेस्टिगेटर पे भारी पड़ता है। उस समय वो अपने सेंटीपेड कागुने और एक चोट जैसे मास्क के फॉर्म में होता है। ये कागुने बाकी फाइट में अपग्रेड होते रहते हैं और आरिमा के साथ कानेकी की फाइट में कानेकी अपने कंट्रोल खो देता है और हर बार जब कानेकी काकुजा फॉर्म में रहता है तब वो अपनी सैनिटी खो देता है और एकदम माइंडलेस हो जाता है। ये सब उसके ट्विस्टेड साइकोलॉजी का नतीजा है। एंड द डेडलीएस्ट फॉर्म ऑफ कानेकी काकुजा द ड्रैगन, एक SSS या उससे भी ज्यादा पावरफुल रेटेड फॉर्म जो अपने रास्ते में आने वाले सभी को अपनी चपेट में ले। ये सब तो कानेकी के साइकोलॉजी के फैक्टर्स थे, बट अगर हम पावर की बात करें तो ही सरपास ऑलमोस्ट एवरीवन, although आरिमा इज एन एक्सेप्शन। एक और चीज मैंने नोटिस की है कि उसके रिंग काकू कागुने के यूनिट बढ़ते रहते हैं फ्रॉम 2 to 4 to 8 वगैरह। ताकिजावा और एतो की फाइट में तो कानेकी उनको आराम से हरा देता है, बट जब उसकी फाइट फुरुता से होती है वो एक अलग लेवल होता है। कानेकी लिटरली फुरुता को उसके काकुजा फॉर्म में आने में मजबूर करता है। यूजुअली उसका मेंटल स्टेट उसके ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले काफी अनस्टेबल था, बट आफ्टर डेथ वो अपने काकुजा फॉर्म को बड़े आराम से फुरुता के अगेंस्ट यूज कर पाया। फुरुता की तरह ही कानेकी भी काताना का यूज कर सकता था एंड ही डिफीटेड हिम। आखिर हम द ब्लैक रीपर और नेक्स्ट वन आइड किंग से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कानेकी मेंटेन पीस और इसीलिए वो हम सबका फेवरेट कैरेक्टर रहेगा। सो गाइस, यही थी मेरी आज की लिस्ट अबाउट टोक्यो घूल टॉप 10 काकुजा। मैं जानता हूँ मैंने इसमें सभी घूल्स को इंक्लूड नहीं किया है। देखो, मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट काकुजा फॉर्म और कैरेक्टर स्ट्रेंथ इनको बैलेंस में रख के सभी पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके बनाई गई है, ना कि मेरे मन से। फिर भी कुछ लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। काफी लोग मांगा में हुए ओरिजिनल इवेंट्स को भी नहीं जानते और क्या पता वो सब आ जाए मुझसे आर्ग्यू करने, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मांगा पढ़ लो, सब समझ आएगा। मेरे पिछले टोक्यो घूल वीडियो में भी काफी लोग उन सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ नहीं पाए थे। सो माय रिक्वेस्ट इज कि अगर सच में स्टोरी को जानना चाहते हो तो मांगा पढ़ लो। सो गाइज, दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट घूल कौन है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। सी यू।